ओके, तो पापा आ गए, अभी मैं जा रही हूँ फाइनली शूट करने के लिए। स्टार्ट। One X. Start. देखो डांस करते करते मेरा हाल क्या हो गया। Please welcome or welcome back to my YouTube channel. Today is 24th of August. आज मेरा वाईफाई का रिचार्ज खत्म होने वाला है ऑलरेडी और काम नहीं कर रहा है नेट। पहले मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। पता नहीं कब रिचार्ज होगा, क्योंकि एक बार बोलने के बाद उसके आधा एक घंटा बाद रिचार्ज होता है, इसलिए मुझे पहले से बोलना पड़ेगा। और अभी हो रहा है कितना, अभी हो रहा है 7:45। मैं एकदम .7:05 उठ गई थी। और पता नहीं ये चीज़ सीरियसली होता है या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पिछले 2 दिन से किया और 2 दिन ही सही तरह से निकल गया। मतलब क्या है ना, मैं जब सोने के लिए जा रही हूँ, क्या दोपहर को हो क्या रात को हो, मैं एक टाइम दिमाग में रख कर ना मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब मैं सोने जा रही हूँ, उसके बाद मैं फोन को टच भी नहीं कर रही हूँ, बस वो टाइम दिमाग में रख के डायरेक्ट मैं सो जा रही हूँ एकदम। तो सुबह ठीक उसी टाइम में मेरा नींद खुल गया। पता नहीं ये 2 बार हुआ ऐसा, ये सही तरह से काम करता है या नहीं, ये सच है या नहीं, ये मुझे बाद में जाके और कई बार करने के बाद पता चलेगा। जो भी हो, आज का दिन का मैं शुरुआत करती हूँ। आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, पूरा धूप निकला है। तो अभी मैं जाती हूँ, कुछ एडिटिंग का काम बाकी है, वो कर लेने के बाद फिर मुझे नहाना है। एंड बाकी का पूरा दिन का जो भी काम रहेगा वो तो आप देखोगे, पापा आने वाले हैं। देखो मेरे पास अभी कौन आके बैठा है, देखो। ए टिचकू, टिचकू देखो। अभी हो रहा है 9:15 और मेरा वीडियो एडिटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब वाईफाई नहीं है, मुझे पता था ये वाला दिक्कत होगी, मेरा ही गलती है। जब खत्म होने वाला है उसके पहले रिचार्ज कर लेना चाहिए, लेकिन मैं एकदम एंड मोमेंट तक वेट करती हूँ। कल रात से ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है कि कल रात से खत्म हो गया और कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मैं मेरा फोन का नेट ही यूज कर रही हूँ और मेरा इस एरिया में मेरा फोन का नेट 1% का भी चलता नहीं है। तो मैं अभी मेरे फोन के नेट से वीडियो को अपलोड में लगाई हूँ, अभी भी 0% से 1% नहीं हुआ है। जो वाईफाई में 5 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाता है अपलोड होना, तो अभी जिसको देकर मैं वाईफाई रिचार्ज करवाती हूँ उसको मैंने एक बार कॉल कर लिया है ऑलरेडी, फोन नहीं उठाया है। आई होप कि शाम 6:30 से पहले रिचार्ज हो जाए, ताकि मेरा वीडियो ठीक ठाक से अपलोड हो जाए और आप लोग ठीक ठाक देख पा रहे हो। पूजा पार्टी इज डन, वो सब काम तो हो गया। अभी मैं जाके थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, बहुत ज्यादा भूख लग गई है। मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या है? मम्मी ये क्या है? सूजी लुची। वो मेरा ब्रेकफास्ट देखो, 2 फिश फ्राई, ये स्प्राउट्स है, कॉम्बिनेशन है। बताओ एक बार, फिश फ्राई मुझे अच्छा लगता है, मैंने आप लोगों को बोला था, लेकिन फिश वो झोल वगैरह मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ देखो मम्मी ये क्या, कितना क्यूट क्यूट लूची का सूजी का पूरी बनाई है देखो सिर्फ। और किचन में मम्मी क्या कर रही है वो भी देख लेती हूँ थोड़ा। मम्मी और क्या खाना बन रहा है आज? चिकन का देख लेना, चिकन को लेना। हाँ दिखाओ क्या है। पंपरेर माछेर झाल भाजा, उच्छे भाजा। আর এখানে হচ্ছে মাছের ঝোল।
मम्मी का कमर में थोड़ा पेन हो रहा है तो इसलिए मम्मी मतलब सीढ़ी में चढ़ नहीं सकती, तो इसलिए आज मम्मी पूरा सुबह से खाना बनाने का काम कर रहे हैं। और पापा जब घर में रहते हैं पापा पूजा कर देते हैं, तो आज मैंने पूजा कर दिया, अभी सब कुछ हो गया। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके मेरा बाकी का जो काम है वो मैं करने लगूंगी। और इस बच्ची को देखो, इस बच्ची का मतलब क्या बताऊं मैं, हर वक्त इसको हर एक बात में इसको नाक अपना घुसाना है। कुट 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 किटी 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 किटी। सूजी वाली पूरी। बाय द वे, कल से अभी तक मैंने ओरियो शेक नहीं बनाई है। अभी मैं कंफ्यूज हूँ, पहले ओरियो शेक बनाऊँ या पहले चिकन बनाऊँ। मैं अभी चिकन बनाने जा रही हूँ, पापा आ रहे हैं तो पापा और मेरे डियर मम्मी तो खाती नहीं है अभी। एंड मैं अभी आजकल जो कुछ भी बना रही हूँ उसका एक छोटा मतलब जितना सिंपल जितना ईजी वे में आपको दिखाया जाए उसका कोशिश कर रही हूँ। मेरा जो शॉर्ट्स चैनल है देवर्ती 07 गैलरी, मैं पास में एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अगर हो सके तो इस वाले चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं पहले इस वाले चैनल में मेरा बहुत सारा डांस वीडियो अपलोड की है। उसके बाद से मैंने मेरा ये मेन चैनल बनाया था, और वाले चैनल में मैं बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ डेली, आप लोगों को बोला था मैंने जैसे कि, तो इसलिए प्लीज यहाँ जाके मुझे सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं अब से मैं सोच रही हूँ इस वाले चैनल में मेरा सारा का सारा डांस वीडियो अपलोड करूंगी। अगर मेरा डांस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज इस वाले चैनल में जाके सब्सक्राइब कर देना, एंड उस वाले चैनल को भी इस वाले चैनल जैसा बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। और मम्मी का बनाया हुआ जो माछे झोल था वो फुल्ली रेडी है, देख सकते हो। अभी मैं सोच रही हूँ चिकन बनाने की, वो वाला चिकन जो होगा वो बेसिकली रात के लिए है, क्योंकि मम्मी चिकन खाती नहीं है और दोपहर को मम्मी ने ऑलरेडी माछे झोल बना दिया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी बनाकर रखूंगी रात वाला खाना, उसके नेक्स्ट वाले में मैं ओरियो शेक बनाऊंगी। एंड मैं आजकल जो भी खाना खा रही हूँ उसका जो भी रेसिपीज है वो मैं उस वाले चैनल में शेयर कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हूँ, हर एक जगह में शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं बता दूँ अभी चिकन बनाना कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि चिकन डीप फ्रिज में रखा हुआ था उसमें पूरा बर्फ जम गया है। मैं गर्म पानी करके उसमें डालने वाली हूँ, तब तक मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो शेक। और मम्मी ने जो सूजी का पूरी बनाई है ना, जस्ट ऑसम है यार। जब तक वो चिकन का जो बर्फ है वो गल रहा है तब तक मैं अभी बनाने जा रही हूँ ओरियो शेक। यहाँ सब कुछ इंतजाम करके रखा है, और ये वाला चीज शॉर्ट्स में भी दिखेगा आप लोगों को। अच्छा लग रहा है, और मैंने चॉकलेट सिरप भी लगा दिया है चारों तरफ से, देख सकते हो। तो एज यूजुअल मैं एकदम टॉप फ्लोर में आ गई हूँ। मैं टॉप फ्लोर ऐसे करती हूँ जैसे कि मैं बहुत बड़ी एक फ्लैट में रहती हूँ, उसका टॉप फ्लोर में आ गई हूँ। जो भी हो, मैं आ गई हूँ ऊपर वीडियो बनाने के लिए। पापा अभी तक आए नहीं है, मैं तब तक बना रही हूँ वीडियो। आज मैं सोनू को कॉल की थी, वो आ गया है स्कूल से, तो मैं सोच रही हूँ आज भी एक डांस वीडियो शूट करने की। सब कुछ मेरे मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तब तक मेरा मूड बदल भी सकता है। क्या पता कुछ लेजी फील हो तो डांस जो शूट होगा वो कैंसिल कर दूं, पता नहीं। जब तक मेरे अंदर एनर्जी है तब तक मैं इस एनर्जी को फुल्ली एकदम यूटिलाइज करूंगी और मेरा काम मैं करती रहूंगी। मेरा फेस देख के ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, ऐसा फील हो रहा है ना, पूरा आंखों के नीचे डार्क सर्कल पूरा अंदर घुस गया है मेरे आंखें। देखो मैं तो डांस के लिए पूरा तैयार हो गई हूँ, सोनू भी आ गया है। अभी पापा फोन किए थे, पापा ने बोला कि नीचे आ, मेरा जो भी बैग्स वगैरह है वो सब लेके थोड़ा अंदर घुसा देना, बारिश हो रही है, देख सकते हो आज भी बारिश हो रही है। मैं जब रेडी हो रही थी तब बहुत तगड़ी वाली धूप थी, लेकिन अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो कोई ना, मैं इसी बारिश में ही थोड़ा कट शूट कर लूंगी जितना जल्दी हो सके। तभी मैं पापा का वेट कर रही हूँ, पापा आ जाए, सारे चीज़ में अंदर घुसा दूँ फिर जाऊँगी ऊपर।
फाइनली सोनू आया है मेरा वीडियो शूट करने के लिए। इतने दिन जो भी डांस मैं शूट कर रही थी वो इस ये लड़का शूट करके देता था मुझे। इस कैमरामैन का भी एक ड्राइंग चैनल है। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि आज मेरा मेकअप जो है वो थोड़ा हेवी हो गया है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, हेवी लग रहा है। पापा आगे सुनो जल्दी, पापा आगे, मैं इसी ड्रेस में जा रही हूँ सारा चीजें लाने के लिए। पापा सोनू को बैग दे रहे हैं, सोनू बैग लेके मुझे दे रहे हैं। मेरा शूट सही तरह से नहीं होगा। सोनू और कुछ है क्या पूछ ले? मेरा ड्रेस देखो, तो ये नेम प्लेट है, ये मेरे दादी का नाम है और ये है मेरे दादाजी का नाम। लड़का मम्मी का बनाया हुआ वो जो मिक्सर है वो मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों यार, बार बार तू ही खत्म करता है ये। क्या खा गया है हा? ऐसा क्या खाया कि नाम याद नहीं है? तो चावल दाल खिचड़ी। अरे भात हाँ, तो बस चावल दाल एंड सब्जी हो गया, सिंपल। ओके तो पापा आ गए, अभी मैं जा रही हूँ फाइनली शूट करने के लिए। स्टार्ट। वन एक्स स्टार्ट। देखो डांस करते करते मेरा हाल क्या हो गया। इसको लेके कितने बार टेक लिया हमने, 5 से 6 बार हम लोगों ने टेक ले लिया, फिर भी मेरा मन नहीं भरा। उसका ट्यूशन है, लास्ट शॉट ले रही हूँ, इसको भी मैं फाइनल कर दूंगी। अगर ये फाइनल नहीं होगा तो इसके पिछले वाला जो भी मैं बनाई हूँ मैं दे दूंगी, ठीक है? उस चैनल में भी ढेर सारा प्यार देना। देखो इस लड़के का ट्यूशन है, ये अभी तक मेरे पास क्या कर रहा है देखो। सिर्फ नहीं, इसका मैं दोष क्यों दूँ, ये मेरे वजह से यहाँ अटका हुआ है। बाकी चलो, हमारा डांस शूट हो गया है कंप्लीट, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। अभी हो रहा है शायद शाम के 4:15 ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। मैं अंदर जिम में बोला, भूख लगी है, अभी तक मैंने लंच नहीं किया है। मेरा ये आजकल रोज का हो गया है। तो देखो अभी शाम के 4:30 हो रहा है, तो इसलिए मैं चावल नहीं खाई। अब बस मम्मी का बनाया हुआ जो सूजी का पूरी था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं वो खा रही हूँ। और थोड़ा ये सूप है, ये सूप खा रही हूँ उसके साथ।